नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार बंद को लेकर आज सुबह सुबह की जो तस्वीर है वो जहानाबाद से सामने आई है, जहां पर एक बस में आग लगा दी गई है। साथ ही साथ जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पेट्रोल पंप को भी जला दिया गया है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस आग पर काबू भी पा लिया गया है। सीधी तस्वीरें आप जहानाबाद से देख रहे हैं, जहां पर बस और ये जो गाड़ी है उसमें आग लगा दी गई है, जिसकी तस्वीरें जहानाबाद से निकलकर सामने आई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। तो बता दें आपको कि केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई योजना अग्निपथ योजना को लेकर आज बिहार बंद का जो आह्वान है वो इन छात्रों की तरफ से किया गया है। खास करके आज बिहार भर से जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेगी, जहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। लेकिन इसी कड़ी में बात करें तो जो तस्वीर है वो इस वक्त जहानाबाद से सामने आई है, जहां पर बस में आग लगा दी गई है और साथ ही साथ पेट्रोल पंप को भी आग के हवाले किए जाने की जो सूचना है वो मिल रही है। आपको कि ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जहानाबाद के टेहटा ओपी की है, जहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। पेट्रोल पंप में भी आग लगाई गई है, लेकिन इस आग पर भी काबू पा लिया गया है। ऐसे में आगे भी बिहार भर से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी, किस तरह से ये हंगामा किया जाएगा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन छात्रों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये तमाम अपडेट्स आज दिन भर आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें जहानाबाद से सामने आई है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।